छोटा छोटा मंदिर है, तो ये सब दर्शन करने लायक है। तो मैं कुआं है, देखो कितना गहराई है, इतना गहराई है। मतलब हमारे बिजलो चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो मैं आज आप लोगों को दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ सील ठाकुर। सील यानी असमिस में बोलते हैं सील को पत्थर, और ठाकुर के मतलब तो आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि भगवान पत्थर का भगवान। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, वीडियो को अंत तक देखते रहना। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं जो आप लोगों को दिखाने के लिए लाया था यहां पर, और मेरे पास में ही जो मंदिर है वो मंदिर बहुत ही अच्छा और खूबसूरत और अमेजिंग वाला मंदिर है, जो कि यहां पर पत्थर का भगवान है मूर्ति, वही चीज़ मैं दिखाने के लिए लाया हूँ, वीडियो को देखते रहना। देख रहे हो आप लोग, वही है मंदिर जो कि सील ठाकुर के नाम से जाना जाता है ये मंदिर। और इसके अंदर किस तरह का जगह है और मंदिर में क्या चीज़ें रखा गया है वो सब चीज़ें दिखाऊंगी। तो चलो चलते हैं अंदर। मैं घुस चुका हूँ और घुसने से ये देखो ताला मारा हुआ है, फिर भी हम खोल के जाएंगे। देखो काफ़ी सारे मंदिर बना हुआ है, और हम एक दो बार यहाँ पर आए थे और आके यहाँ पर बैठ कर भी गए थे। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर आने के लिए। और यहाँ पर देख सकते हो छोटे छोटे मंदिर हैं, हमारा घर से 1 किलोमीटर दूर में है ये मंदिर है, जो कि हर कोई आता है यहाँ दर्शन करने के लिए। और सावन के महीना में और भी लोग यहाँ पर आते हैं जल चढ़ाने के लिए। यहाँ पर देखो बहुत ही अच्छा जगह है और बहुत ही सारे मंदिर बनाया गया है। और यहाँ पर हमारा माता जी रहते हैं यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और बाकी यहाँ साइड में मंदिर बना हुआ है, तो हमारे माता जी यहाँ पर बैठे हुए हैं देखो। और ये मंदिर है, और बहुत सारे मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। तो मैं आप लोगों को धीरे धीरे मंदिर की नज़ारा दिखाऊंगी, वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो ये देखो मंदिर का नज़ारा किस तरह से दिखता है, चारों तरफ देखो मंदिर ही मंदिर। इसके अंदर देखो, तो ये देखो किस तरह से यहाँ पर बनाया गया, आप लोगों को जो बोला था वो मैं दिखा चुका हूँ। यहाँ पर देखो मेरे पीछे वहाँ पर लगा हुआ है, जो कि ये जगह का सील ठाकुर के नाम से जाना जाते हैं। और ये मंदिर सील ठाकुर ही है, और यहाँ पर सील का ठाकुर है और बहुत अच्छा। मैं आप लोगों को और भी चीज़ें दिखाऊंगी, वीडियो को अंत तक देखते रहना। और भी इधर मंदिर है छोटा छोटा करके, तो बहुत सारा मंदिर है यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर कभी भी आ सकते हो कहीं से। छोटा छोटा मंदिर है तो ये सब दर्शन करने लायक है, तो दर्शन करने के लिए आते हैं बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर इस मंदिर पर। और ये मंदिर का जो नज़ारा है मैं आप लोगों को पूरे दिखा चुका हूँ, देखो किस तरह से है। और भी आगे जाऊँगा तो और भी मंदिर मिलेगा। तो यही था आज का ब्लॉग, और मैं आप लोगों को यही चीज़ें दिखाने के लिए लाया था बहुत ही। और यहाँ पर देखो लगाया गया है, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो अवेलेबल शौचालय है, लेटरिन बाथरूम सब कुछ रेडी बनाया गया है। और यहाँ पर देखो कितना गहराई है, मैं आप लोगों को एक बार दिखा दे रहा हूँ। जो कुआं है देखो कितना गहराई है, इतना गहराई है मतलब बोल ही नहीं सकता, इतना गहराई कुआं बना। मैं यहाँ से अभी निकल रहा हूँ, और निकलने से पहले आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। मैं दरवाज़ा देखो किस तरह से ढक लिया, जय शिव शंभु हर हर महादेव, अभी बंद कर लिया। तो यही था आज का वीडियो, और मैं अभी जा रहा हूँ सीधा घर। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को जल्दी से सपोर्ट और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का वीडियो यहीं तक करते हैं। जय हिंद जय भारत।